हेलो एवरीवन, आज 10 मार्च और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम डीसीबी बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता है, 3 दिन से मार्केट बंद है और मैं भी वीडियो नहीं बना रहा था, पर मुझे लगा स्टॉक को कवर कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से इसमें एक अच्छा खासा आपको अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। आराम से स्टॉक यहाँ से आपको 250 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। बेसिकली देखिए तो 127.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो ये डीसीबी बैंक है, आपको मैं सीधा बता दूँ, एक तरह से छोटा एचडीएफसी बैंक है। जो एचडीएफसी बैंक काम करता है वही ये सारा काम डीसीबी बैंक भी करता है। और जो हमारे पुराने दोस्तों हैं उनको पता होगा, एचएससीएल मैंने आपको 40 पे रिकमेंड कहा था, आज करीब 370-380 का है, बना के अभी करीब 320-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वो आपको 600 तो देखने को मिल सकता है। उसी तरह जेबी पावर रिकमेंड कहा था मैंने आपको 6 रुपये पे, आज देख सकते हैं कहाँ चले गया है, वो 20-22 रुपये के आसपास है। सुजलोन हो गया, आरबीएनएल हो गया, आईआरएफसी हो गया, केपीआईटी टेच हो गया, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको मल्टीपल स्टॉक बता रखे हैं। और अभी प्रेजेंट में हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, आवास फाइनेंस हो गया, एसबीआई कार्ड हो गया, एमटा टेक्नोलॉजी हो गया, धनलक्ष्मी बैंक हो गया, जो मैंने आपको रिकमेंड कर रखे। और यहाँ से आराम से आपको 2024 में डबल तो देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह का ये भी स्टॉक है, अभी मात्र 127 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मैंने जितने स्टॉक आपको बताए मैंने सब पे वीडियो बना रखी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। बढ़ते स्टॉक की तरफ आप देखें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक में 1 से 2% गिरावट देखने को मिल रही है। 1 महीने के अंदर देखते हैं मात्र 1 से 1.5% रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 महीने में देखेंगे तो मात्र 5.5% रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा हाई बनाया था, जो हाई था करीब 160 का, वहां से अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। 1 ईयर के अंदर देखेंगे तो ओनली 17-80% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है। और 5 ईयर के अंदर देखेंगे तो उल्टा स्टॉक 36-37% गिरा ही है। स्टॉक अच्छा खासा हाई पे ट्रेड करता 240 के आसपास, वहां से एक अच्छा सा करेक्शन आ चुका है। तो स्टॉक आराम से साइड में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और वहीं का इसका स्टॉक पी देखे तो 7.63 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही घिसा पिटा है। तो एक तरह से स्टॉक अंडर वैल्यूड है। वहीं मार्केट कैप देखेंगे 3,987 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है, पर इसके प्राइस के हिसाब से ठीक है। वहीं इसके आप कॉम्पिटिटर देखेंगे तो HDFC, ICICI, कोटक, एक्सेस, इंडस, IDBI से बड़े बड़े बैंक देखने को मिलने वाले। उनके हिसाब से पी देखे तो सबसे सही इसी का देखने को मिल रहा है, स्टॉक एक तरह से अंडर वैल्यूड है। वहीं अगर आप ROC देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल, तो 6.71 का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है यस बैंक और IDBI से। आप सोच रहे हैं कि मैं IDBI को करूँ या यस बैंक को बाइक करूँ, तो उनसे अच्छा आप इसको बाइक कर सकते हैं। अभी बहुत ही प्राइस इसका बहुत ही सही है और स्टॉक भी बहुत ही सही है। वहीं अगर सेल्स देखेंगे तो रेवेन्यू दिसंबर 2020 में 869 था, जो कि फिलहाल दिसंबर 2023 में 1374 हो चुका है, जो कि बहुत ही सही अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है रेवेन्यू। इसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉफिट देखेंगे -25 था, जो कि फिलहाल 47 हो चुका है, जो कि बहुत ही सही है। पहले माइनस में था, अभी प्लस है। पर अगर पिछले क्वार्टर देखें तो घटते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा खराब है। पर वहीं अगर आप शेयर होल्डर पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 14.88 थी, जो कि फिलहाल 14.81 हो गई, थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं स्टॉक खराब है। वहीं FIs देखिए 13.4 थी, जो कि फिलहाल 13.2 हो चुकी है। तो फोर इन्वेस्टर की होल्डिंग वैसे देखिए ओवरऑल तो घटते हुए देखने को मिल रहा है, पर पिछले क्वार्टर से देखें तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 9.20 से 8.12 हो गया, देखते हैं 13.2 हो चुका है। DIS की 40.54 थी, जो कि फिलहाल 34.20 हो चुकी है। तो DIS की होल्डिंग थोड़ी यहाँ से घटते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप DIS में देखेंगे तो आपको देख सकते हैं टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, HDFC स्मॉल कैप हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे बड़े बड़े आपको देखते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। ICICI हो गया, DSB स्मॉल हो गया, तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सही होने वाला है। और देखते हैं कितने सारे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक में 31.54% होल्डिंग थी, जो कि फिलहाल 37.98 हो चुकी है। तो और शेयर होल्डर पैटर्न बहुत ही अच्छा, फंडामेंटल बहुत ही सही है और प्राइस मेरे हिसाब से इससे अच्छा आपको अभी किसी बैंक का देखने को नहीं मिलने वाला है, धनलक्ष्मी बैंक को छोड़ के। आराम से DCBI यहाँ से आपको 250 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं जाने वाला, तो आप इस स्टॉक आराम से अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, कहीं सेव कर लीजिए। आप देखिएगा आपको 2024 में आराम से स्टॉक 250 तक जाते हुए देखने को मिलने वाला है। और अभी निफ्टी देखिए अपने ओल्ड टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो निफ्टी में यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसमें आपको अच्छे अच्छे स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर आप DCBI देखें तो ऑलरेडी गिर चुका अच्छा खासा, तो यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो 110 तक आते हुए देखने को मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं गिरने वाला है। तो वहाँ आप इसको आराम से लेने की चेष्टा करिएगा और पूरा पैसा मत लेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहिएगा।